पता है मैं अभी तक जो भी खेल रहा हूँ ना, मेरी सबसे एक्साइटिंग सीरीज होने वाली है मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी मेरे को मजा आ रहा है इसमें। ओप सीपू दीदी, क्या हाल है? बढ़िया हाल है। जाइए भाभी, दुबक जाइए कोने में। ओके सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट में वन ब्लॉक। तो देखते हैं वीडियो में क्या होता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं पहले आपको एक बार समझा देता हूँ वन ब्लॉक होता क्या है। देखो लिटरली पूरे माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में हमारे पास सिर्फ एक ब्लॉक है, और मैं यहाँ से गिरा तो सीधा वर्ल्ड में, तो ऐसा है। तो आप लोग सोचेंगे कि इसमें सर्वाइव कैसे करना है। देखो मैंने ये ब्लॉक तोड़ा, यहाँ पर एक नया ब्लॉक जनरेट हो गया। देखा, अब नया ब्लॉक आ गया। इसको क्या दिक्कत है भाई, एक और नया ब्लॉक आ गया। तो ऐसे करके हमको इसमें सर्वाइव करना है। देखो अब वुड आ गई यहाँ पर, देखा। तुमको इसमें ऐसे सर्वाइव करना है और अपना आइलैंड एक्सपेंड करते रहना है ऐसे। ये अब गिरने का खतरा कम है, और यहाँ पर रात भी होती है, मतलब मॉब्स स्पॉन होते हैं तो दिक्कत हो जाती है। ओ चेस्ट, देखो ऐसे ही चेस्ट भी मिलती है कि इसमें सैपलिंग मिली हमको, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। सर हमारी चेस्ट हमको लौटा दीजिए। ओके तुमको इन ब्लॉक्स को तोड़ते जाना है। और इसमें नए नए फेसेस भी आते रहेंगे, जैसे अभी ये चल रहा है प्लेन्स बायोम, कभी नेदर आएगा, कभी क्या आएगा। और हमको इसमें डायमंड, एंशिएंट डेब्रिस सब मिल सकते हैं भाई, तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अगर आपको भी सीरीज़ पसंद आ रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि हमको ये अच्छा लग रहा है, और इसके और एपिसोड लाओ तो हम ज़रूर लाएंगे। ओके ओ देखा गाइस, ये इसी की मैं बात कर रहा था, नए नए मॉब्स भी स्पॉन होंगे, और ये हमारे लिए बिल्कुल भगवान जैसा भाई। अभी तो पिगो यार तू बचा रही हो भाई, प्लीज़ मेरे मुंह से निकल गई बस, ठीक है पिगो चल उधर, चल उधर चल थोड़ा बस, और इधर मत आइए प्लीज़। एक काम करते हैं ना, अपने लिए थोड़ा बेसिक सामान बना लेते हैं। एक शोवल बना लेता हूँ सबसे सही, नहीं एक एक्स बना लेता हूँ, क्योंकि अब सारा प्लेन्स बायोम का सामान आ रहा है तो उसमें वुड सबसे ज़्यादा आ रही है। तो यस, या फिर एक शॉवल भी बना ही लेता हूँ, और इसमें अकाल ऐसा पड़ता है ना चीज़ों का। रुक जा ब्रो, तेरे लिए थोड़ी वुड इकट्ठा कर रहा हूँ, फिर तेरे लिए भी एक घर बनाऊंगा छोटा सा प्यारा सा। एप्पल मेले हमको खाने का जुगाड़ हो गया हमारा थोड़ा बहुत। एप्पल खाने तेरे को भाई, रुक जा भाई मेरे लिए अभी वो। एक मिनट रुक जा, जब हम प्रो बनेंगे ना तो मेरा पहला पेट है, ठीक है? जब हम लोग अमीर बनेंगे तब तेरे को मैं गोल्डन कैरेट खिलाऊंगा सीधा। ओए इससे ऐसे कर देता ना, इसको फैलने देता हूँ थोड़ा घास को, इतना टाइम भी तो नहीं है। छोड़ो भाई कैंसिल। ओके दोबारा से ऐसे ही, कभी मिट्टी आ रही है, कभी डर्ट आ रही है, कभी वुड आ रही है। ओ देखा गाइस क्या गिरा, ग्रेवल। तो इसी के लिए क्या होता है, हमको एक चेस्ट मिलती है, उसके अंदर मिलती है हमको वाटर बकेट, और वाटर बकेट से हमको यहाँ पर ऐसे पानी डाल के इसके नीचे एक ब्लॉक लगाना होता है, बिकॉज अभी इसके नीचे कोई भी ब्लॉक नहीं है। तो जैसे ही सैंड या फिर ग्रेवल आएगा वो नीचे गिर जाएगा वाटर बकेट। देखा गाइस अब हमको क्या करना है, बहुत रिस्की काम है, तो एक काम करता हूँ। ओ भाई भाई इसी चेस्ट में अपना सारा सामान डाल देता हूँ, वाटर बकेट के अलावा और एक ब्लॉक के अलावा। इसमें डर्ट भी इतनी महत्वपूर्ण है ना भाई, क्या बताऊँ। ओप गलत लग गया। ओ भाई ये तो बहुत ज़्यादा हार्ड है, पानी कभी कहीं धकेल रहा है, कभी कहाँ धकेल रहा है। अरे यार वो ऊपर क्यों आ गया, ठीक है अब अच्छे से करना है, कोई जल्दीबाजी नहीं, कोई कुछ नहीं। अरे भैया वो लग गया करेक्ट चेस्ट के नीचे ही लगा वो। हो अब यहाँ से अपना सारा सामान निकालते हैं, और हमको चेस्ट भी मिली थी, हमारे पास दो चेस्ट भी होगी, तो उसमें अपना सारा जो एप्पल मिला हमको ये सब सामान इसी में रख देते हैं। तो आ जा तो भैया, यू हैव गॉन आउट एंड यू माई जेब में। देखना इसके नीचे एक ब्लॉक होगा, वो देखो अब कुछ भी सैंड वगैरह आएगा तो वो नहीं गिरेगा। देखो ग्रेवल आया, ये नहीं गिरा। देते जाओ भाई देते जाओ, कोई है ही नहीं, लेकिन मॉब्स ना आए प्लीज़, ना लग जाएंगे भाई। अप यप यप यप, वो देखो पानी अभी तक नहीं गया भाई, बहुत ज़्यादा हार्ड होने वाला है। मजे मजे में कर तो लिया। यस पिगू साहब क्या चाहते हो,
पिक्सर इधर आइए, आप इधर रहेंगे, इधर इस वाले ब्लॉक पर, ठीक है? चलिए उधर मर मत जाइए भाई प्लीज़, ये मरेगा तो मेरी गलती की वजह से पक्का। उधर को एक्सपेंड नहीं करा मैंने बिल्कुल भी, उधर को एक्सपेंड करना चाहिए हमको। इधर एक ही ब्लॉक था, ओके लेट्स गो। व्हाट इज तू विलेजर आया था क्या? नहीं, ओ एक टॉर्च। एक काम करते हैं ना, एक सैपलिंग उधर कोने में जाके उगा ही देते हैं, बस बढ़िया। एंड ये वुड को दोबारा से इसमें डाल देते हैं, एंड ग्रेवल भी डाल देते हैं, टॉर्च इस तरह लगा देते ताकि कोई रात को मॉब स्पॉन ना हो, ठीक है पिग्गू? प्रो टिप्स। अभी कोबलस्टोन तक नहीं आया हमारे पास। ओ बेडरॉक, देखा गाइस अब हमारे पास आई कि नई फेस, कोई नई बायोम आ गई। तो भाई मज़ा आ रहा है मेरे को तो। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो लाइक कर देना। ये देखो अब क्या है भाई, ओ ये देखो घास ही होगी ना, अब ये भी सबको इन्फेक्टेड करती जाएगी और नई घास उग जाएगी और ये सारा अब घास उग जाएगा। तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ, तोड़ो। इसका नाम हम क्या रखें, हम इसका नाम रखते हैं हम, गाइस आप ही कमेंट करके बताओ, आप ही रखते हो बस बस नाम, तो आप ही बताना इसका नाम। अभी के लिए हम नाम रखते हैं इसका पंटर, यस अभी के लिए हम नाम रखते हैं इसका पंटर। और कमेंट करके बताना कि आपको कौन सा, ओ ये क्या मिल रही है हमको, वो डर्टी थी वो, पता नहीं किस टाइप की। ये क्ले मिली, ये खाने का जुगाड़ वाटरमेलन। एक काम कर देता हूँ, एक काम करते हैं अभी गाइस, आपको भी थोड़ी प्रो टिप्स बनाता हूँ मैं, बनाता हूँ नहीं बताता हूँ। आइलैंड इधर को थोड़ा एक्सपेंड करा और हमको जो वाटरमेलन मिले थे इसको उगा लेते हैं भाई। पहले हो बनानी है, एक दो एक दो, ठीक है। और स्टिक बनाई ऐसे एंड ऐसे, एक हो बना दी। इस हो से हम एक दो तीन, हमारे पास पाँच है ना, एक दो तीन चार पाँच, ठीक है। तो इसको यहाँ रखेंगे, इससे मिलेंगे हमको मेडलन सीड्स। तो ऐसे 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 ऐसे, यस देखा हमने यहाँ पर फार्मिंग भी कर दी पहले ही एपिसोड में। मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। पिग्गू यार तेरे को लग जाएगी, प्लीज़ उधर हो जा प्लीज़। और देखो रात भी होगी तो सही टॉर्च मिल गई हमको। एक बर्च, ये बर्च, बर्च की बायोम को क्या बोलते, मैं भूल गया, बट हमको वो वाले भी प्लांट वगैरह मिल रहे हैं, प्लांट कह रहा हूँ ब्लॉक्स। ए भाई झसक गया मैं एक मिनट के लिए। पिग्गू प्लीज़ तुम दोनों साथ में रहो, भाई बहन की तरह भाई साथ में रहना, ठीक है? साथ में अपने गप्पे उप्पे मारो। अभी तक मेरा पंटर बोर हो रहा था तो तुम्हारा भी नामकरण कर देते हैं, यह है पंटर, यह अंटर, अब हमारे अंटर पंटर साथ में रहेंगे। जाओ भाई जाओ साथ में जाओ। पता है मैं अभी तक जो भी खेल रहा हूँ ना, मेरी सबसे एक्साइटिंग सीरीज होने वाली है मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी मेरे को मज़ा आ रहा है इसमें। मिला हमको वाटरमेलन। ओप हमारी गौ माता भी आ गई भैया, चलो गौ माता आइए इसी खुशी में। हम एक काम करते हैं, वो एक काम करता हूँ ना माँ, यस गाय का गाढ़ा गाढ़ा दूध पीते हैं यार। अब इतना को कैसे संभालूँ मैं यहाँ भाई, तो बड़ी समस्या वाली बात हो गई। गौ माता जी आपको इधर ही रहना जरूरी है यार, यार तू मत गिर, ये अंटर है पंटर है भाई, नेम टैग भी लगाना पड़ेगा इनके सर पे। अरे मैम उधर जाइए ना प्लीज़, ठीक है इधर को एक्सपेंड कर देता हूँ इसको, क्योंकि सारे इधर ही आ रहे भाई, मरने नहीं चाहिए इनमें से एक भी। उधर को एक्सपेंड कर देता हूँ एक एक ब्लॉक। कैसे मज़े से देख रहे भाई वो, हमारी शॉल भी टूट चुकी है तो हमको नहीं बनानी पड़ेगी। तो मेरी चेस्ट में क्यों मुंह दे रहा है भाई, ये तो गलत सीन कर रहे हैं, तो इनके लिए एक तबेला बनाना पड़ेगा भाई, क्या करूँ। एंड एक शॉवल बनानी थी ना, तो सिर्फ एक प्लैंक, पूरी बचावट के साथ चलना भाई इसमें हमको, तो मज़े में नहीं। हाँ भाई एरी वुड कोई चक्कर ही नहीं है बिल्कुल, एक एक कदम फूक फूक के रखना कि क्या बनाना चाहिए हमको क्या नहीं। दोबारा से हमको ये मिले, वो पम्पकिन भी तो मिले मेरे को, तो पम्पकिन भी प्लांट कर देते हैं। पम्पकिन से वैसे करूँगा क्या मैं, एनीवेज इनको भी गवा देते हैं ऐसे ऐसे एंड ऐसे, ठीक है। इसको यहाँ यहाँ ऐसे करते हैं, 12 सीड्स है भाई मेरे पास,
गाइस इनमें से गैस करो वाटरमेलन के कौन से और पम्पकिन के कौन से। 1 2 3 4 5 ये 5 पम्पकिन के और 6 वाटरमेलन के। 1 2 3 4 5 मेरे खेत मत कूद दियो, मैं बता रहा हूँ यही कूद दूंगा तेरे को। इनको तो नहीं मारूंगा क्योंकि मेरा अंडर पंटर है, तेरे को जरूर मार दूंगा भाई। मैं भी बिल्कुल रेडी नहीं हूँ किसी से फाइट करने के लिए। और हमको लेदर और मेलन, मेलन भी उगा देते अपना दोबारा से। मेलन के बगल में मेलन एंड चेस्ट में और तो कुछ नहीं है यार। क्रीपर नहीं आना चाहिए बस, और तो चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी, क्रीपर नहीं आना चाहिए। आपको पता ही होगा क्रीपर से क्या ही दुश्मनी है मेरी। बिल्लियाँ तो हजार हजार पालूंगा मैं। तरक्की तो चल रही है भाई हमारी। अरे अरे यार ये क्यों तोड़ रहा है भाई, अभी मर जाता मैं। मेलन इसमें रखो, क्ले बॉल भी इसमें रखो, लेदर भी इसमें रखो, चेस्ट भी इसमें रखो। इसको डाल दो सेकंड में, इसको थर्ड में। ओप सीपू दीदी क्या हाल है, बढ़िया हाल है। जाइए अब भी दुबक जाइए कोने में, मैं बता रहा हूँ मेरे वन ब्लॉक के ऊपर तो बिल्कुल भी खड़े ना हो तुम। एक फटका दूँ, दो एक फटका, नहीं मार सकता ना, यही हमारे आने वाला कल है। आज की सोचोगे तो तुम्हारा कल कैसे अच्छा जाएगा का। कैसी कैसी लाइन मार रहा हूँ आज, कितना शोर कर रहे हैं। चाहते क्या हो ये बताओ, चाहते क्या हो। अलग सीन है इनका भी, प्लीज कोई ना आए अभी। ओए मुर्गी 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 मुर्गी, मैगी मैगी, मुर्गी को मैगी कह रहा हूँ। एक सीड बनाओ, मुर्गी तो अभी आ जाएगी। मुर्गी मुर्गी मिली मुर्गी, आधा मिली मुर्गी। भाई इनके लिए तबेला बनाए क्या, तबेला तो बनाना पड़ेगा। सनराइज भी हो चुका है नेक्स्ट मॉर्निंग के साथ हमारी। मेरा वो सीड कोई नहीं खाएगा मैं बता रहा हूँ, उसी को ठोक दूंगा मम्मी पर। अंटरपंटर को नहीं ठोकूंगा, तुमको अच्छे से खाने खिलाऊंगा ठीक है ब्रो। कोई मॉब स्पॉन ना हो जाए यार, ज़ॉम्बी वगैरह सीधा हट। अरे सिलेंडर भी आ गया, अंटर पंटर सिलेंडर जा उनके साथ खेला। अरे गजब सीन है, क्या नाम रख रहा हूँ, अंटरपंटर सिलेंडर। लिटरली जो उनसे राइम आ रहा था मेरे मुंह में आ रहा था, मैंने बोल दिया। और हमको यहाँ पर एक बर्च की सैपलिंग मिली, एप्पल मिला और एक एप्पल मिला, नाइस। यार अब मैं क्या बताऊँ इनमें से अंटर कौन है, पंटर कौन है, सिलेंडर कौन है। सिलेंडर तो ये है शायद, पंटर वो है, अंटर ये है शायद। ये सिलेंडर में तो मैं कन्फर्म हूँ। तोड़ो ये भी तोड़ो, तोड़ो तोड़ो, इतने तो हल्ला मचा रखे ना मेरे घर। एक ना एक को ठोक दूंगा मैं बता रहा हूँ। एक गलत बात है, गलत बात है, गलत सीन है यार। इतने स्पॉन हो रहे हैं, इतने स्पॉन हो रहे हैं भाई। बनाए क्या इनके लिए एक तबेला, बनाना पड़ेगा यार, तो मेरे सिर पे ही चढ़ जा रहे हैं। बट अभी नहीं, वो शायद नेक्स्ट एपिसोड में होगा। अभी तो आइलैंड एक्सपेंड करने में कॉन्सेंट्रेट करते हैं। मेरे पास 48 डर्ट हो गई भाई, तरक्की। यस तो मेरा पंटर है। मेलन खाएगा, मेलन मेलन खाएगा, मेलन खाएगा। बग यहाँ से भाई, एक को शॉट लगा दिया मैंने। गिरा मत दियो किसी को, तू किसी को मत, मेरे अंटर को तो छू भी मत तू। एक डर्ट भी इतनी इम्पोर्टेंट है ना हमारे लिए अभी। 1 2 3 4 5 6 7 एक भाई, मैं तो शिफ्ट दबा के चल रहा हूँ, कहीं भी चल रहा हूँ। तो अभी ये सैपलिंग को तो यहीं पर रहने देते, बिकॉज अभी आधी उग चुकी है, इसको तोड़ेंगे तो फिर। तुम चाहते क्या हो भाई, ये 3 ब्लॉक कहाँ लगाऊँ मैं, ये यहाँ पर लगा देता हूँ। 1 2 3 अरे यार हमको अपना आइलैंड एक्सपेंड करना होगा वुड से, हमेशा स्लैब से, क्योंकि भाई इतनी डर्ट तो है नहीं हमारे पास। और तू साइड हो जा, मेरे ब्लॉक के ऊपर ही खड़ा है यार, मत करना प्लीज। तेरे को शॉर्ट भी लगा सकता मैं। एक पग इधर से, पग इधर से, एक और शवल बनाते हैं भाई। वुड इधर रखो, स्टिक खत्म हो गई। चलो इसको भी तोड़ते रहते हैं। ओप एक गाय भी आ चुकी है, यस इसका नाम रखेंगे हम कमला चमला। जाओ कमला चमला खेलो साथ में। और तूने ये उजाड़ दिया ना, डोंट से कि तूने उजाड़ा,
प्लीज़ उधर चले जाओ मैम, प्लीज़ उधर चले जाइए। अंडा क्या? अभी लिटरली उसे मेरे वन ब्लॉक के ऊपर अंडा दिया अभी अभी। ठीक है मुर्गी, हम तुम्हारा गिफ्ट स्वीकार करेंगे, तोहफा कबूल है। हट जा भाई, पीछा छोड़ दे मेरा। अरे बस कर भाई, पीछा छोड़ दे मेरा। ये क्ले क्यों मिल रही है मेरे को इतनी, ये समझ नहीं आ रहा। तोड़ते जाओ भाई, सवल से ही तोड़ते जाओ। तेरे को कलेक्ट करने हैं ब्लॉक्स। ओके, एक और हमारी ये क्या है, वो कमला थी, वो चमला थी, ये विमला। अबे यार, कमला चमला विमला, अंटर पंटर संटर। इसमें अंडे क्यों दे रहे हो मेरे को? एक काम करते फिर, ये बर्थ की सैपलिंग्स इधर उगा देते हैं, एंड एक उधर कहीं जाके उगा देते हैं। डन। लिटरली भाई सब चीज़ ज़्यादा ये जगह घेर रहे हैं। खैर सुधर जा, भी बता रहा हूँ। तोड़ते जाओ। अरे तुम चाहते क्या हो? माखों गाइज, आप कुछ ईयरफोन तो बिल्कुल भी यूज़ मत करना इस वीडियो के लिए, बिकॉज जो मेरे कान में आवाज़ आ रही है ना, माँ। एक और मुर्गी आ गई, तुमको मेरा ही घर मिल रहा है। दो दो मुर्गी आ गई, ये भगवान। किसी किसी को तो स्वर्ग लोक पहुंचाना ही पड़ेगा भाई। तू मेरे वन ब्लॉक के ऊपर मत हो, तेरे को एक एक्स पड़ी मेरी, तू गई, बता रहा हूँ। और मैं इसको मारना भी चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास दो मुर्गियाँ पहले से ही है। जा भाई जा, कोई ज़रूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी। तोड़ा लो मेलन भाई, बहुत हो गए मेरे पास मेलन भी, बहुत हो गए। एग ओक लॉग, ये डॉट को हाथ में ले लेते हैं। चलो दोबारा से तोड़ते जाते भाई ब्लॉक्स। फिलहाल तो भाई अभी तक नहीं मरा मैं वन ब्लॉक में। एंड वन ब्लॉक में ना ऐसी एक लाइफ होती है कि अगर तुम तीन बार वर्ल्ड में गिर के मर गए तो तुम्हारा वर्ल्ड ही चला जाएगा ऐसे हार्डकोर की तरह, बट मेरा पता नहीं कैसा है भाई। देखो क्या दुश्मनी है मेरे से, चेस्ट तो पूरी भर गई भाई हमारी। एक काम करते हैं ना, चेस्ट को उधर कोने में रखाते हैं। तो हट जा, हट जा, बिकॉज यार कोई क्रीपर पर फूटा ना। ओप, सारा सामान आ गया ना जेब में। यस, वैसे थोड़ा ही सामान है मेरे पास। इधर लगाओ चेस्ट, डबल चेस्ट बना लेते हैं अब, बिकॉज इतना तो हो ही गया हमारे पास। लिटरली मेरे पास 6 चेस्ट है, इतने सारे लॉग हैं, इसमें वुड की तो कमी नहीं होती। अलग से उगा भी रखे मैंने वहाँ पर। अरे कौन कर रहे हैं, यानी क्या सीन चल रहा है इनका। ठीक है क्राफ्टिंग टेबल इधर ही रहने देते हैं, कुछ भी सीधा क्राफ्ट करना तो वन ब्लॉक के सामने अपने। यस सर, ओ नाइस, एक ग्रास ब्लॉक मिला हमको, बट हमारे वर्ल्ड में ग्रास ब्लॉक ही ग्रास ब्लॉक है। बट लगा देते इधर साइड, लगा देते हैं इसको भी, ग्रास बना देगा। लो अच्छा, ये कुछ भी नहीं हुआ अब मेरा। ओ नेक्स्ट फेस इज कमिंग, और मेरा वो कहाँ है, ओक का, ये यहाँ पर लगा रखे मैंने। ठीक है चल रही है तरक्की, और तो पिक साइड हो जा, कुछ भी मॉब स्पॉन हो पहले इसी को मारना भाई। 3, 2, 1 देखते हैं क्या है। पता नहीं भाई। ओ कोबलस्टोन फाइनली गाइस, अब हमारा पिकेक्स बनाने का टाइम आ चुका है। इसे बनाओ स्टिक ऐसे ही, एंड ऐसे गाइस हमारी फर्स्ट पिकेक्स, लिटरली फर्स्ट पिकेक्स। वाओ कितना सुकून मिल रहा है स्टोन माइन करके भाई। बंदे नेदरराइट तक पहुंच गए इसमें, तुम क्यों इतना हल्ला मचा रहे हो। तोड़ो तोड़ो तोड़ो, ओ कोल फाइनली, कोल टूट जाता ना, हाँ टूट रहा है। आयरन आ जाए तो मजा ही आ जाए। यस चलो भाई, फाइनली आयरन भी आ चुका है, अब वक्त आ गया है स्टोन की पिकेक्स बनाने का। ओ ओ चलो, गेटिंग एन अपग्रेड, अपग्रेड तो हो रहे भाई, तरक्की चल रही है। बस ये स्टोन की पिकेक्स भी मैं कभी कम यूज़ करूँगा, मतलब ऐसी स्थिति आएगी कि हमको करनी ही पड़ेगी तब। लिटरली मेरे जानवर देखो इधर, ये अंडा दे रहे हैं वो अलग बात है, और मैं ले भी ले रहा हूँ। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
पूरे के पूरे 11 एनिमल। और थैंक यू मुर्गी फॉर दिस अंडा, चेस्ट में डाल देते हैं, इसका केक बनाएंगे। एंड तोड़ो जी, तोड़ो 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 तोड़ो। फाइनली गाइस मूशु काउ इज हेयर एंड आई है, तो अब पूरा फायदा उठाएंगे ना गाइस। खाने की तो दिक्कत होती क्या है, वो समझ ही नहीं आता, तो बस खाते जाओ। मेरे एक भी टंगड़ी कम नहीं हुई अब तक, लिटरली कुछ नहीं खाया मैंने। फूड अपने पास ही रखते हैं, एप्पल डाल देते चेस्ट में। मूशु काउ अभी तक हमारे इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है बिकॉज ऑफ फूड। 24 कॉबलस्टोन है, तो एक काम करते हैं, चलो आज का हमारा गोल है कि एक बेड बनाना है, ठीक है। मेरे को पता है हमको ये दो आयरन क्यों दिए हैं, एक शीयर बनाने के लिए, और कोल भी हमारे पास थोड़ा बहुत था ही, वो चेस्ट में डाल देते क्या मैंने। यस, दो कोल है इधर एंड आयरन का आगे, ये रहे दो रॉ आयरन, ठीक है। अभी पकेगा, और हमारे पास कितनी अभी भेड़ है, दो ही हैं गाइस। ये गोल पूरा होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, ये अंडा मत फूट जाइए यार कहीं भी रैंडमली उगा दो भाई, अभी तो चाहते क्या हो जी। इसको चेस्ट में डाल देते हैं भाई। सो गाइस, आज हमने ट्राई करा 1 ब्लॉक, जिसमें मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आया, तो इसकी नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी ही आ जाएगा। और कमेंट कर देना आपको 1 ब्लॉक कैसा लगता है। आज हमने एक गोल भी पूरा किया कि हमको आयरन की अचीवमेंट लेनी थी, जो हमको मिल चुकी है। एनीवेज, इस वीडियो में इतना ही, मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।